सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलदान बोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड श्लोक दुर्गा शिवोवाच देवे त्वं भरत सुलभ सर्वकार्य विधायने कलाहेकाय सिद्ध्यर्थम् अपायं रोहि यत्नतः। देव्योवाच शृणो देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वे साधनम् मया तमेव सेनाभ्यं वा श्रुतिः प्रकाशते। ॐ अस्याश्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टभ छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रेतसं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजयतांसे देवे भगवते सा बलादाग्रेशमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षभेदमशन्तः स्वस्तेः स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्य शिव सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थहरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते वयव्यस्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगान्शेषान्नभान्सदृष्टा वृष्टात् कामान् सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानां नैपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ते सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभिर्विनाशन। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गास्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाननि यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीतावभेत्सति। ॐ सदेशाध्वे भव प्रीता भवानि भव मोचने आर्या दुर्गालया चाध्या त्रिनेत्राशूरधारणे पिनाकधारणे चित्रा चण्डघण्टा महातवा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ताभावने भाभ्या लभ्या भव्या सदा गतिः शम्भवे देव माता च चिन्ता रचना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशिनि अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलापदे भट्टाम्रफलेधाना कलमञ्जलरञ्जनि अमेयविक्रमाक्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे
वनदुर्गाश मातंगे मतंग मुनिभोजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृते विमलादर्शने ज्ञानक्रिया नेत्रा च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवान्द्रे च चण्डमण्डविनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वधानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाश्रधारणे तथा अनेकशास्त्रास्ता च अनेकासस्य धारणे कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यदि अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता भरप्रदा अहोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रि सवस्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवधोते कराले च अनन्दा परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने जाहिदं प्रभते नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवं नासाध्यं विद्यते देवे कृष्णलोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुखं जायां हयमश्विनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्द लभन्मोतिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा दुर्धत्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयद्वरया भक्त्या पठे नाम सदाशिवं तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरवरैरपि राजानो दाशतां जान्ते राज्याशयं वाप्नुयात् गोरोचनां लत्तकुकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्ष्ययन्त्रमिलिना विजिज्ञा भवे सदा धार्यते पुरारिः होमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे शतविशाङ्गते विलक्ष्य प्रवणे स्तोत्रं सावभे सम्पदा पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बिरला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवघर के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसे मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन
भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते ही माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते ही उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषे अनष्टव छन्दः स्वामण्डादेवता अङ्गण्यासोत्तमातरो भेदौ निर्बन्धदेवता सत्त्वौ श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशति पाठाङ्गत्वेन जपे वियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ यद्वैनं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्नकस्याचिदाख्यातं तन्मे लोहे वदामः ब्रह्मावाच अश्रमयतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् देव्यासोकमजं पुण्यं तशृणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च तृतीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं छन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाशमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिता उत्थाने वाने नामाने ब्रह्मनेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव व्याता शरणं गता नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामे शाशदुःखामयं नहि येषु भक्त्या सुधानानां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सुरन्ति देवेषि रक्षसेतान सङ्गया प्रेतसंस्थातु च मुण्डा वाराहि महिषासना यन्त्रिगणसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ कौमारी शिखवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगः समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्ना पशोपिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्याग्रोधः समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केनकां तापरं देव परशुं पाशमेव च कुण्डायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च द्वारयन्धायुधानि तं देवानां विहिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाभये महोत्साहे महाभये विनाशने राहि मां देव दुष्प्रेक्षे शत्रूणाभयवर्धने प्राच्यां रक्षत मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे मदवाराहि नैऋत्यां गर्गधारिणि प्रदेशां वारुणे रक्ष वायव्यां मृगवाहिणि उदेशां पादकौमारि एषाणां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ता वैष्णवे तथा एवं वृषो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जागृतः पातु विषया पातु प्रस्थितः अभिता वामपाशदो दक्षिणे चापराजिता शिखामध्योदने रक्ष उमामोदने बृहस्थिता
बालाधरे ललाटे च भ्रुवरक्षस्वनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमखण्डा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्धारभासने कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले दशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरशे च नासिका अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वते घण्टारक्षकौमारे कण्ठदेशे च चण्डिका घण्टिकां यत्र घण्टा च महामाया च तालके कामाक्षे शुभकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च वैश्वंशे धनोधरे नीलग्रीवा वहे कण्ठे नलिकां नलकोवरे सन्देह खड्गने रक्ष बाहो मे वज्रधारणि हास्यादण्डने रक्ष अमृता चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरे रक्ष कुक्षोरक्ष कुलेश्वरे सदा रक्ष महादेवे मनः शोकविनाशिनि हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणि नाभौ च कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा ओदना कामिकामेढं हृदयमहिषवाहिनि कट्यां भगवते रक्ष जानने विन्ध्यवासिने जज्ञे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायने गुरुभयो नारसिंहे च पादपृष्ठदुदयजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादाधस्थलवासिने नखाङ्गष्टाकराले च केशं च वर्धकेशने रोमको वैशतो वैरे तुजं वागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासा न्यस्ति मेधांसि पार्वती हन्तानेकालरात्रिश्च पित्तं च मलनेश्वरि परमापदे पदमकोश कभे चूडामणे तथा ज्वालामुखेन खज्ज्वाला अवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरि तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षं मे धर्मधारिणि प्राणापाणा तथा व्याणम् उदाणं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणम् कल्याणशोभना रसे लोपे च गन्धे च शब्दे स्वसे जगने सत्त्वं रजस्तमशैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्षत पाराये धर्मं रक्षत वैष्णवे दशाकेतिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यानुसग्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशो मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्म बाल्यं रक्ष भैरवि पन्थानां सुमता रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्म ऋषिया सर्वदा सुधा रक्षायैनं व्यासानां हर्षदां गवचेन तु सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ति पापनाशिनि फलमेकं न गच्छेदो जदीक्षेषो मा पुनः अवचेनाविदो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं त्वं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरे मदुरं प्राप्नुते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोके दुर्भयद्वर्जः कवचेनाविदः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः पठे प्रयतो नित्यं कृशं जं शुद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवद्वर्षं जाग्रम् अमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्वाभरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्भृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचरा केचराश्चैव जलजाचोपदेशिका सहजाकुलजा माला डाकने शाकने तथा अन्तरिक्षा च राघोरा डाकिन्यश्च महाबला भूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माणाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे संस्थिते मानान् देवभैराज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परं जस्वा भर्तते स्वपि केतुमण्डितभूतले जपे सप्तयदयं जण्ड्यं कृत्वा लोकवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते शशलवनकाननम्
तावत्तिष्ठते मे देन्यां सन्तते पत्र पात्रके देहं देवम् अवसानं जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अत्यर्गलस्तोत्र ॐ अस्याशयग्लस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनष्टौ चन्द्रः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकाय मार्कण्डेयोवाच ॐ जयन्ते मङ्गलाकारे भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुरा नमासुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमासुते मधुकेण्डवमेत्रादे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये महिषासुरकेणाशे भक्तानां सुरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये रक्तबीजमदे देवे चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये शुम्भस्य धुम्राक्षजमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये वन्दिताङ्गिजये देवे सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये भजन्तो भजन्त सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये सुमध्या भक्तिपूर्वाङ्गं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये चण्डिके सर्वं ज्ञात्वाम् आशयन् देह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये विदेहि दुशतां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये सुराशुरशिरोरत्ननिकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये विद्यावन्तं जनवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनाङ्गुरो रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये प्रचण्डदेतिलर्वणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये कृष्णेन संस्कृते देवे शशभक्त्या सुताम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये हिमाचलसुरानाथ संस्कृते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये इन्द्राणि पदसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये देवे प्रचण्डतो दण्ड दैत्यदर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये देवी भक्तिजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशाजये वदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणे धारणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे त्वातु महास्तोत्रं पठे नः साधु सप्तशते सङ्ख्या फलमाप्नोति सम्फला अथ कीलक ॐ अस्याशीलमन्त्रस्य शिवा ऋषिः अनष्टौ चन्द्रः
श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धारिणे सर्वमेतद्विहानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेमवाप्नोति सुतम् जाप्यतत्पुरः सिद्ध्यन्त्रचारणादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन उदवताम् देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोणौषधम् तत्र न किञ्चित् विशिष्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिनम् समग्राणि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कादिवारः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदम् शुभम् स्तोत्रम् वे चण्डिकाया स्तोत्रम् जकारसः स्वमात्रेण यवन्यस्य ताम् यथा वन्नियन्त्रणाम् स्वापि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् पाशुदशम् अष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानथे सा प्रसीदति इत्थम् लोपेन कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्क्रियाम् विधायेन नित्यम् जलति संस्फुटम् स सिद्धा सागना स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न च वापरतस्तस्य भयम् कोऽपि हजायते नापमृत्योपशम् याते मृतो मोक्षर्मा पुण्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्य देवते सौभाग्यादिकिञ्चिद्रशदेवनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् षडेषु जाप्यमाने स्वन् स्तोत्र संवत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ईश्वरम् यत्र साधेन सौभाग्यालोक्यसम्पदः शत्रुहानि परमक्ष तोयते स न किम् जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र नन्दनि नन्दिनमे दिन विश्वविनोदिनि नन्दते Thank you.
I'm not
लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि दासोऽयमि मामत्त क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि राजानां विदर्शनं शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। समय आप भक्तों के जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, जो तपस्थल है, तपोभूमि है, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर माँ भगवती दिव्य पिंडिक रूप विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कल जुगाएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी।
जो ही भक्तजन श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति पूर्वक इस माँ जगजन्य के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर इन दिव्य पिंडियों के सामने नतमस्त होते हैं, माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। उन भक्तों को इन तीनों देवियों का माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होते ही, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कार्य जो सिद्ध होते ही, उनके कष्ट उनके दुख जो दूर होते ही और सब ओर से भक्तजन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते ही। शास्त्र में कहा है कि देव दर्शन, देव आराधना, देव प्रार्थना जो है, जे स्तुति जो भक्ति करते हैं, इससे जे सत्कर्म जो है, जे करने से जो है मनुष्य के हाथों से ही पाप नहीं होते, क्योंकि इस तरह जब देव दर्शन होते हैं, देव देवता की भक्ति की जाती है, तो मनुष्य के अंदर जो है सत्व गुण की वृद्धि होती है। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो उनके हृदय में सदा सर्वदा सद्विचार उत्पन्न होते हैं, फिर ऐसी प्रकार से उनके हृदय में ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम कोई सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुखों की सेवा करें, परोपकार करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए इस जगजन्य जगत माता की आराधना अर्चना पूजा करते हुए माँ की भक्ति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये महत्व बतलाया गया, ये जो आप जप करते हो, पाठ करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, गंगा स्नान करते हो, माँ के दरबार में आकर के जगजन्य जगत माता के पिंडी के रूप में दर्शन करते हो, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हो, जी करने से ही जो है मनुष्य के पापों का नाश होते ही, और मनुष्य के हाथ से ये विशेष कहा गया है शास्त्र में कि फिर जो है उनके हाथों से बुरे कर्म नहीं होते, पाप नहीं होते हैं, क्योंकि जब सत्कर्म वह करते हैं तो उनकी बुद्धि सात्विक होती है, जब बुद्धि सात्विक होती है और वह ठीक निर्णय करते हैं तो उनसे पाप कैसे होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी बुरे विचार उनकी बुद्धि में आएंगे नहीं, कभी उनका मन जब विचलित नहीं होगा, जे फल होते हैं सत्कर्म करने का। तो इसलिए कहा है कि महापुरुष जो है लोभ को जो है जे संतोष से मारते हैं, महापुरुष जो है लोभ को संतोष से जो मारते हैं। कैसे देखिए कि जब भी किसी का पतन हुआ है, किसी संकटों का व्यक्ति आया है, तो लोभ के कारण से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई हुए हैं। हिरण्याक्ष जो है जी कहते हैं कि लोभ का प्रतीक है, लोभ का ही जो स्वरूप है, हिरण्याक्ष जो थे ये देते हुए हैं और कहते हैं कि पृथ्वी पर जो है हिरण्याक्ष जो है उन्होंने समस्त राज्यों पर जो है विजय प्राप्त कर ली, एक राज्य में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करते करते उनका लोभ जो था वह बढ़ता गया, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है तो हर मनुष्य पाप भी करता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को प्राप्त करना है, और देखिए ये अपनी अपनी एक सोच है, जिसको प्राप्त अब करना चाहते हैं वह जो है चाहे आपको जो है एक साल के उपरांत, चार साल के उपरांत जो आपको मिलेगी, परंतु यदि कहेंगे रातों रात मुझे मिलेगी तो कैसे मिलेगी, पाप कर्म करने से, कहीं ना कहीं बुरा कर्म आप करोगे। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी मिलेगी चाहे इनकम आपकी कम है, आप थोड़ा थोड़ा बजाते जाते हैं तो इस प्रकार से वह एक दिन वह आएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, परंतु आपको आत्मसंतुष्टि बनी रहेगी, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, परिश्रम किया, मेहनत की है और उस मेहनत का फल मेरे सामने आ गया, उसी में सुख होता है, उसी में आत्म शांति होती है। हिरण्याक्ष जो था इसका लोभ बढ़ता गया, उत्तर तो बढ़ते बढ़ते पूरी पृथ्वी राज्य प्राप्त कर लिया और सभी समस्त राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, अब जो है उसका लोभ इतना बढ़ गया, अब वह सोचने लगा कि स्वर्ग पर भी मैं विजय प्राप्त कर लूं, तो स्वर्ग कर देवता पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि इतना उसका अत्याचार, इतना पाप बढ़ गया कि पृथ्वी जो है देवी दस गई, जल में डूब गई, और ऐसी परिस्थिति में कहते कि उस समय देवता ने जब प्रार्थना की
तो भगवान विष्णु जो थे वराह के रूप में जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ, वे प्रकट हुए और वह ही पाताल में गए, क्योंकि पृथ्वी पाताल में चली गई थी, पाताल में गए वराह के रूप में जो है, और फिर जो है वहां से जो है पृथ्वी को उठा करके अब जो है पुनः जो है स्थापित किया। और जिस समय पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे तो हिरण्याक्ष को पता चला, तो हिरण्याक्ष जो था वह दौड़ा भगवान के साथ जो है वराह, भगवान के रूप में भगवान जो प्रकट हुए थे उनके साथ इनका युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो कहते हैं कि इन्होंने भगवान की जो है इस प्रकार आलोचना की, निंदा की। वराह कहते हैं सूर को कि भंचा सूर, अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। कहते हैं देवता प्रार्थना कर रहे थे अब जल्दी से लीला समाप्त करो नहीं तो ये अनर्थ करेगा। तो वे कई प्रकार की लीला भगवान उनके साथ कर रहे थे युद्ध में भी, और युद्ध करते करते फिर भगवान ने उन पर जो मुष्टि का प्रहार किया जिससे हिरण्याक्ष था दम मारा गया। बोलो सच्चे द्रवाल की जय। और पृथ्वी माता को पुनः जो है जल पर जो है स्थापित किया, और मनु महाराज जी को जो है इस पृथ्वी का राज्य दिया। राज्य देकर उससे कहा कि प्रजा का पालन करो। राजा जो है प्रजा को सुख देने के लिए, प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए, उनकी विपत्ति को दूर करने के लिए होता है। ये राज सिंहासन जो है जो आपको मिला है, ये राज सिंहासन प्रजा का पालन करने के लिए, प्रजा को सुख देने के लिए होता है, ना कि दुख देने के लिए। दुख देने से दुख मिलता है, इसलिए जो है आप जो है प्रजा का ठीक प्रकार से पालन करें और धन संपत्ति का खजाने का सदुपयोग करें। तो मनु महाराज जो है इस पृथ्वी के फिर राजा हुए, जिनकी पत्नी रानी जो थी शत्रुपा थी, उनने भली प्रकार से प्रजा का पालन किया, प्रजा को सुख दिया और धन का ठीक उपयोग किया है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस धर्म में आपको बतला रहा हूँ कि ये आपको जो मैंने दृष्टांत दिया है कि लोभ के कारण ही जैसे जैसे लोभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही व्यक्ति जो पाप करता जाता है, उसके लोभ की सीमा रहती नहीं। कहते काम और क्रोध जीव शत्रु ही, काम भी दुख में कष्ट में विपत्ति में डाल देते हैं और क्रोध भी। कहते काम और क्रोध जो है जो समय आने पर शांत हो जाते हैं अपने आप, परंतु लोभ जो है जो शरीर क्षीण होने पर भी व्यक्ति जब जो है अब जो है जैसे धीरे धीरे अवस्था बढ़ती जाती है, काम भी कम होना शुरू हो जाते हैं, क्रोध भी कम आना शुरू हो जाते हैं, परंतु लोभ जो है जो बढ़ता ही जाता है, लोभ जो है जी कभी कम होता नहीं। लोभ जो है कैसे कम होता है, संतोष करने से, कि आपको उस देवी की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, ये एक सूत्र है जीवन का। जो व्यक्ति अपने जीवन सूत्र को उतार लेता है वह कभी विपत्ति में फंसता नहीं। जो देव कृपा से, भगवती कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से जो है जो हमें प्राप्त है वह पर्याप्त है। परमात्मा ने जो हमें दिया है हमारी योग्यता से अधिक दिया है, ऐसी सोच रखें, संतोष करें। संतोष से लोभ पर विजय जो है ये प्राप्त जो है की जा सकती है। संसार के सब सुखों को जो है अनेक प्रकार से जो है ये व्यक्ति जो है ये भोगते हैं। कैसे इन सुखों को जो है संसारी सुखों को भोगते हैं, सब भोगने पर भी जो है आज तक जो है कहते आप देखिए व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती। कई प्रकार के प्रजनन करता है, कैसे जो है छल करके, कपट करके, चोरी करके, बेईमानी करके, इसलिए करता है सुख प्राप्त करने के लिए, परंतु आत्म सुख आत्म शांति उसको मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती है? जब तक जो है ये कहते हैं कि आत्म शांति जो है ये कैसे जो मिलती है, जब हम जो है जो हमारे पास जो हमें प्राप्त है उसमें जब हमें संतोष होता है, संतुष्ट होते हैं, उस प्रभुता परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं, उस देवी का धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा से जो प्राप्त हुए, हम तो इसके योग्य नहीं थे जो आपने दिया है, आपने इतनी कृपा की है, उसमें संतुष्ट होते हैं। फिर साधक फिर ही जो है भक्ति करने में आनंद आता है। जब व्यक्ति संतुष्ट होते हैं तो भक्ति करने में आनंद आता है, पाप छूटते हैं,
तब जो भक्ति जो है आगे बढ़ती है और मनुष्य के जीवन में आनंद ही आनंद होता है। किसी प्रकार का क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, और जो मिला है उसे संतुष्ट है और भगवती की शरणागत होकर के वह भक्ति की भक्ति करते हैं। इस प्रकार से कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। बोलो सच्चे दरबार की जय। बराह जो है जे भगवान का अवतार हुआ, कहते हैं बराह जो है ये क्या है, यज्ञ है। हम भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ है। आप जब करते हो तो ये क्या है, यज्ञ है। गीता में भी भगवान ने कहा है यज्ञा नाम जब यज्ञो अस्मि, यज्ञो में जप यज्ञ मैं हूं। जैसे पाठ करते हैं आप जय माता के रास्ते बोलते हैं, ये नाम जप है, ये भी यज्ञ है। और जातक शास्त्र में कहा है कि जब साधक यात्रा करता है, यात्रा जो है यात्रा में जितने पद जो है वह भगवान के नाम का जप करता चलता है, जितने पद उतने ही अश्वमेध यज्ञों का उसे फल प्राप्त होता है। शुद्ध मन से, बिल्कुल भी शुद्ध मन से वह जब यात्रा के लिए चलता, देखिए जीवन में देव कृपा होती है तो मौका मिलता है, मन विचार रहता है कि हमें वैष्णो देवी के दर्शन करें या गंगा स्नान करें, कुंभ स्नान करें। कभी जीवन में तो जो है जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि देव सब पर कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं कि आप अपना जीवन सफल बना लो। बुलाते हैं जो भगवती अपने दरबार में चरण बिठाती है, इतने नहीं बहुत सारे जहाँ दरबार में लोग जो हैं जो सेवा में कार्य रहते हैं, जहाँ पर जो भी उनका सौभाग्य माँ की कृपा हुई है, जहाँ पर उनको सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस तीर्थ पे आकर के ये तपस्या तब भूमि जब अनेक ऋषियों ने तप किया है, कोटि से जहाँ पर यज्ञ हुए हैं, और कहते हैं कि माँ की आरती में समस्त देवगण जो अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं, और ऐसी परम पवित्र स्थली पर आकर के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होना, माँ के दरबार में आकर के माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होना, जे देव दर्शन जो है जे बड़े दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार से जे सौभाग्य जो है बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो आप कर रहे हैं जहाँ बैठे हुए हैं, भगवती का इन मंत्रों के द्वारा जो है आपने भगवती की स्तुति की है, अभी जो है आप भजनों के द्वारा माँ को जो अपने भाव जो हृदय के भाव सामने रखेंगे, भजनों के द्वारा माँ को प्रसन्न करेंगे, ये सब क्या है, ये यज्ञ है। भजन करना, स्तुति करना, मंत्र पाठ करना, जप करना, ध्यान करना, ये सब क्या है, ये सब यज्ञ है। और ऐसा ये कहते कोई कार्य नहीं है जो आप जो है वह यज्ञ नहीं है। प्रत्येक कार्य है, आपके कोई भूखा है उसको भोजन करवाते हैं, ये क्या है, यज्ञ है। जरूरी नहीं है कि आप जो है अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति दें, स्वाहा स्वाहा करें, तब वो ही यज्ञ होता है, वो भी वो यज्ञ है। परंतु कोई भूखा है उसे भोजन करवाते हैं, ये यज्ञ है। कोई प्यासा है उसे जल पिलाते हैं, यज्ञ है। कोई निर्धन है, वस्त्रहीन है, जिसका वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, असमर्थ है, और उसको वस्त्र देते हैं, ये यज्ञ है। इसी प्रकार से आप ज्ञानवान है, आप अपने जीवन में ऐसा निजम ले लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने नगर के अपने गांव के जो हैं एकत्रित करके एक समय देते हैं, आधे घंटे का घंटे का, मैं प्रतिदिन जो है इनको ज्ञान दूंगा जो मुझे आता है, ये भी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इसको कहते हैं, जो ज्ञान यज्ञ है। जो तो आजकल तो सभी जो है जब पहले पैकेज हो जाते हैं कि जो ट्यूशन है इतना पैसा लगेगा तो हम ज्ञान देंगे, नहीं तो नहीं। परंतु पहले यही होता था, जो पढ़े लिखे लोग होते थे वह गांव में जो है अनपढ़ लोगों को बैठाते थे, उनको सिखाते थे, पढ़ाते थे। छोटे बच्चों जो है क्योंकि वहां उस समय जो ट्यूशन का रिवाज नहीं था, एक श्रद्धा थी, शिष्य जो गुरु के पास श्रद्धा रखता था, और गुरु जो है उसके हृदय में यही होता था जो मुझसे सीखे और आगे बढ़े, उसे खुशी होती थी मेरे द्वारा पढ़ा हुआ जो बालक जो है इस पद पर पहुंच चुका है। तो ये सब यज्ञ जो भी आप कार्य करते हैं, आप घर में जो है गौ माता को गोगराज देते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, यज्ञ है। दीन दुखी की सेवा करते हैं, यज्ञ है। कोई बीमार है उसके पास इलाज करवाने के लिए जो है कोई धन नहीं है, कोई साधन नहीं है,
तो उसकी सहायता कर देते हैं, दवाई लेकर के देते हैं, ठीक हो जाता है, ये यज्ञ है। तो शास्त्र में कहा है आप किसी प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हवन करेंगे तो ही यज्ञ होगा, आपके जीवन को ऐसा कर्म हो जाएगा, आप माँ के दरबार में रास्ते में कोई बीमार हो गया है, आप उसकी सहायता करते हैं, डिस्पेंसरी लेके वह ठीक हो गया, जहां दर्शन करा दे, ये कितना बड़ा पुण्य है। असमर्थ है, चल नहीं सकता, उसकी सहायता करते हुए आप जहां तक उसे ले जाते हैं, माँ के दर्शन करा देते हैं, कितना बड़ा यज्ञ, माँ प्रसन्न होगी। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार बतलाए गए हैं कैसे उसको प्रसन्न किया जाए, और देखो उसकी प्रसन्नता को जो है हमें कैसे पता चले वे प्रसन्न होगी। जब कोई कर्म करने से आपको अंदर से प्रसन्नता मिले, जब मैंने कर्म किए हैं और आत्म सुख मिले, आत्म शांति मिले, तो समझ लो परमात्मा में भगवती प्रसन्न होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये मन जो है ये बहुत बिगड़ा है, इस मन को जो है सत्कर्म में जो है व्यस्त रखिए, सत्कर्मों में मन को लगाइए, व्यस्त रखिए मन को जो है, ताकि ये बिगड़े ना, निरंतर जो है सत्कर्म जो है जो करिए, सत्कर्म में संतोष ना रखिए। भोजन, भोजन में संतोष रखिए, ज्यादा मत खाइए, ज्यादा खाने से क्या होता है, आलस्य होता है, उधर में पेट में विकृति आएगी, तो इसलिए जो है भोजन में जो है संतोष रखें, जो है इस प्रकार से भजन में संतोष रखें, खूब करें, खूब अर्जित करें जो है भजन जो है, तो इसलिए सत्कर्म में जो है जो संतोष ना रखे, खूब जो है वह इसका लोभ होना चाहिए सत्कर्म का, माँ के दर्शनों का, बार बार आइए, बार बार आए, बार बार यात्रा करें, कल्याण होगा। और जो है बुरे कर्मों का त्याग करें, तो इसलिए कहा है कि लोभ जो भी करना है तो सत्कर्म का, भगवत की आराधना का, जप का, पाठ का, ध्यान का लोभ कीजिए। हमने जो 10 मिनट बैठे, 10 के बजाय हम 20 मिनट बैठे, उसको बढ़ाते जाएं, साधना को, सत्कर्म को जो है, और इस प्रकार से कहते हैं कि संसार सुख में जो है जो संतोष रखिए, संपत्ति में जो संतोष मानिए, पर सत्कर्म में जो है लोभ रखिए, उसमें लोभ कीजिए कि इस प्रकार सत्कर्म में, सत्कर्म करने की जो है भूतों की, लोगों की जो इच्छा होती है हम सत्कर्म करें, परंतु कर नहीं पाते, मन में सोचते रहते हैं अमुक दिन जो है हम सत्कर्म करेंगे, जो वैष्णो देवी चलेंगे, परंतु सोचते रहते हैं कर नहीं पाते, बिना देव कृपा के संभव होता नहीं है, उनसे सत्कर्म जो है वह नहीं हो पाते हैं, मन के विचार जो है मन में ही रह जाते हैं, सोचते रहते हैं, इसलिए वह सत्कर्म नहीं कर पाते, काल जो है उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, वह सोचता है क्योंकि लोह में फंसा हुआ है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लोह में फंसा हुआ है, परंतु वह सत्कर्म नहीं। कि एक बार जो है मैं संक्षिप्त में बतलाऊंगा दृष्टांत आपको, कि एक बार क्या हुआ कि किसान जो था खेत में हल चला रहा था, तो एक संत महाराज जी वहां पर आए और संत ने कहा आप कितना समय हो गया खेती करते, आओ थोड़ी देर बैठो सत्संग करते हैं। उसने कहा कि आप तो बाबा हैं, आप जाइए सत्संग कीजिए, मुझे तो खेत में हल चलाना है तो ही मिलेगी खाने के लिए, परिवार को पालना है, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हुए। फिर एक दिन संत महाराज जी आ गए, आप तो जो हल चलाना छोड़ो, बच्चे बड़े हो गए इसलिए आओ सत्संग में बैठते हैं। तो उन्होंने कहा देखो बच्चे बड़े हो, शादी हुई है, अब जो है इस प्रकार से अब जो है घर में पहुंचता है उसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सत्संग बैठे अब जाइए। तो बार बार वह संत आता था, बार बार उससे कहता था, तो उसने कहा तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए, पीछे क्यों पड़ गए हो, क्या करो सत्संग, मुझे तो चलो घर की रखवाली कर रहा था, अब चल नहीं सकता है, इतना असमर्थ हो गया है अब चल नहीं सकता है, तो जो है घर में रखवाली करता हूं, छोटे छोटे पोते हैं इनको खिलाता हूं, ये खेलते हैं मेरे साथ यहां पर, आप जाइए सत्संग कीजिए, मैं सत्संग में, मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है, इन बच्चों को, इन पोतों को खिलाना है। तब जो है फिर संत महाराज उनके घर में आए तो देखा, उनसे पूछा महाराज वे बुजुर्ग जो थे वह कहां गए, उन्होंने कहा महाराज उनकी तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। तब उसने ध्यान लगाकर देखा उसी घर में वह बैल के रूप में उत्पन्न हुआ है,
तब उससे कहा अब तू भगवान का स्मरण कर ले, सत्संग कर ले। उसने कहा देखो खेत में खेती करूंगा, जो परिवार आगे बढ़ेगा, बैल के रूप में भी बस परिवार के लिए मैं सोचता, जे लोभ है, लोभ बढ़ता गया। अब जो है कहते हैं अब जब बैल बूढ़ा हो गया चलने में असर्थ है, तो वे कहता है कि नहीं, तो जो ही बैल की मृत्यु होगी। फिर संत महाराज जी आए तो उन्होंने पूछा मारे वो आपका बैल कहाँ गया, उन्हें कहा मर गया। तो उसने ध्यान लगा के देखा तो वह सांप की जोड़नी में, क्योंकि जब अधिक मोह करता है धन संपत्ति में घर के अंदर तो वह उसी घर के अंदर सांप की जोड़नी में आ जाता है, जहां चूहे की जोड़नी में, सांप की जोड़नी में प्राप्त हो गया। ध्यान लगा के देखा अब तो सांप ही, इतने जो है घर के परिवार के एक बच्चे की दृष्टि पड़ी अंदर सांप है, परिवार डंडे लेकर के मारने के लिए पड़ गया। वही कहा परिवार का बुजुर्ग, देखिए शरीर जो है नाशवान है, आत्मा अजर है अमर है, शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है और आत्मा दूसरे शरीर में जाते, कौन सा शरीर प्राप्त होगा जो आपके कर्म पर निर्भर करता है, आपके कर्म कैसे हैं। कर्म से जो शरीर मनुष्य देह हमें मिला है और मनुष्य देह दुर्लभ है, बड़े भाग्य से बड़ी तपस्या से मिलता है, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे कर्म किए मनुष्य जोड़ने में आए और इस प्रकार मनुष्य जोड़ने में ही आकर के ये जीव जो है सत्कर्म कर करके अपना कल्याण कर सकता है। तो डंडे पड़ने लगे तो उसने कहा इसको मारो मत, तो उसने कहा अब बतला सत्संग करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने कहा जो तो डंडे मारते जो परिवार के लिए मैं कितना कुछ करता रहा, मैं बैल बना जीवन भर जो है इनके जो है परिवार का पालन पोषण करता रहा और जो है मृत्यु के बाद बैल बना और बैल के रूम में मैं खेती करता रहा ताकि मेरा परिवार अच्छे से खेती करता था और जो है परिवार आगे बढ़े। अब शाम की जोड़नी में आया, इस लोभ के कारण मुझे शाम की जोड़नी मिली और जो है अब जो है जो मुझे डंडे मारते हैं अब लोभ नहीं करूंगा, अब जब मुझे कृपा हो जाएगी सत्संग करूंगा। तो वह सांप वहां से कहते कि लुप्त हो गए सच्चे दरबार की जय। तुझे लोग जो है यही जो है मनुष्य को जो है संकट में डाल देते हैं, इसलिए कहते हैं लोभ यदि करना है तो भक्ति का लोभ कीजिए, नाम जप का लोभ कीजिए, सत्कर्म का लोभ कीजिए, उसमें संतोष मत कीजिए, संतोष करना है। तो इस प्रकार से आप जब भजन जो है भजन में जब खूब लोभ करें इसमें संतोष न करें और जो है भोजन में संतोष करें, भोजन भोजन का लोभ न करें, अधिक करोगे तो जो है वह कष्ट देगा और यदि अधिक भजन करेंगे तो वह क्या देगा, सुख देगा, आपका कल्याण करेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय कर शनिद, बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए कहते हैं कि धन जो होता है जे धन जो है जे धर्म की मर्यादा में रह करके जो है, क्योंकि धन भी जो है अधिक जब हो जाता है मर्यादा से बाहर होगा वह भी दुख का कारण, धन से सुख मिलता है, हमारी सारी समस्या ठीक होती है तो जो है, परंतु अधिक धन जब मर्यादा से बाहर का धन जो है वह भी दुख का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए कि धर्म की मर्यादा के विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति धन जो है वह मन को जो है बिगाड़ता है, लोभ जो पाप जो करवाता है और जो है लोभ जो है जी जो संतोष ही जो महापुरुष को मारते, इसलिए हमेशा आप संतोष रखिए। जो जो मैंने पहला सूत्र आपको बतलाया है जीवन में जो व्यक्ति इस प्रकार से जगजन से प्रार्थना करते कि माँ जो आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है वह पर्याप्त है, हम इस योग्य नहीं थे, आपने कृपा की है आपका बहुत धन्यवाद, खूब भक्ति करें और भक्ति में ही सब प्रकार के सुख जो है जो विद्यमान है। बोलो सच्चे दरबार की जय। समय अधिक सुख है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश माँ के चरण भस्त करेंगे, आप सही भक्त कीर्तन में सहयोग देना सा मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरावाली मैया जिदा, तेनु हक है माये नी सानु दर तो तोरन दा, तेनु हक है माये नी सानु दर तो तोरन दा, पर हक नहीं माये सानू खाली मोड़न दा, हक है माये नी सानू दर तो तोरन दा,
पर हक नहीं माइए सानु खाली ओढ़न दा तैनु हक हमाइए नी सानु दर तो तोरन दा पर हक नहीं माइए सानु खाली मोड़न दा तैनु हक हमाइए नी सानु दर तो तोरन दा पर हक नहीं माइए तनु हक हमाये नी सानु दर तो तोरन दा पर हक नहीं माये सानु खाली मोड़न दा तनु हक हमाये नी सानु दर तो तोरन दा पर हक नहीं माये सानु खाली मोड़न दा सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजी दीजिए हाथ सभी ऊपर माँ भगवती माँ भक्तों की हाजी स्वीकार करे आपके झोलियाँ भरे आपके मर्यादे पूरी करे आपका जीवन खुशियों से भर देता है जावांगे टूट तू भी जावेंगे जे रुले असि जावांगे टूट तू भी जावेंगे सभी ना बच्चिया दे माइए किवें मां कहावेंगे सभी ना बच्चिया दे माइए किवें मां कहावेंगे हक है साडे नाल मां दुख सुख भोलन दा पर हक नहीं माइए सानु दर दर रोलन दा पर हक नहीं माइए सानु दर दर रोलन दा तैनु हक है माइए नी सानु दर तो तोरन दा पर हक नहीं माइए सानु खाली मोड़न दा बचड़े तेरे हाँ गलतियां कर दे हाँ बचड़े तेरे हाँ गलतियां कर दे हाँ फिर जैसा कर दे हाँ वैसा ही पर दे हाँ फिर जैसा कर दे हाँ वैसा ही पर दे हाँ तेनु हक है माइए नी सन थप्पड़ मारन दा पर हक नहीं माइए हर पल दुख कारण दा पर हक नहीं माइए हर पल दुख कारण दा हक है माइए नी सानु दर तो तोरन दा पर हक नहीं माइए सानु खाली मोड़न दा जे कर छड़ावेंगी पलकां ते बिठावांगे जे कर छड़ावेंगी पलकां ते बिठावांगे साडे नाल मलाड़ लड़ावन दा तैनु हक है साडे नाल मलाड़ लड़ावन दा पर हक नहीं माइए सानु इंज तरसावन दा पर हक नहीं माइए सानु इंज तरसावन दा तैनु हक है माइए नी सानु दर तो तोरन दा पर हक नहीं माइए सानु खाली मोड़न दा पर हक माइए नी सानु दर तो तोरन दा पर
मायनी तन दर तो तोरन दा पर हक नहीं माये तनु खाली मोड़न दा हक है मायनी तन दर तो तोरन दा पर हक नहीं माये तनु खाली मोड़न दा पर हक नहीं माये तनु खाली मोड़न दा पर हक नहीं माये तनु खाली पर हक नहीं माये तनु खाली मोड़न दा पर हक नहीं माये तनु खाली मोड़न दा जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय विभूषण प्रस्तुत करें श्री विजय कुमार जय करा शेरोवाली जी का दरबार की जय शेरोवाली मां मेरोवाली मां जोतोवाली मां कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई गरीसा जरूर होगा मेरी नजर को नजर ना जोड़े रिश्ता निभाना जरूर होगा इतने से तो संग जोड़े रिश्ता निभाना जरूर होगा बाकी जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा शेरो वाली
जरूर होगा शरण में तेरी आ गई हूँ चरणों का नाता जरूर होगा वो कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से कुछ तो आपकी जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा मेरी नजर को Oh,
परमेश्वर जी। जय कर श्री राम लीला बोल सच्चे दरबार की जय। हाजरिया परवान करो महाजनी, हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया परवान करो महाजनी, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया। भक्त वत्सलामा भक्त वत्सला मात मात आई जागे वाली हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो ज श्री राम आए बाबर कृष्ण मुरारी, विज श्री राम आए बाबर कृष्ण मुरारी, भक्ता देवल चात भक्ता देवल चात मात आई जाके वाली हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया। शब्द पार उतारे शक्ति दी शक्ति ने किते शब्द पार उतारे, हर मेहरानी बरसात हर मेहरानी बरसात मात आई जाके वाली हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया। फुलहार भवानी फुल चुक माफम करनी, शरण आए शरणागत दीवा फाफड़ लाल चरनी, शरण आए शरणागत दीवा फाफड़ लाल चरनी, है होने वाली पर भात है होने वाली पर भात मात आई जाग वाली मात मात आई जागे वाली हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया, हाजरिया हाजरिया परवान करो महाजनिया। श्री राम लीला बोल सच्चे दरबार की जय। तभी एक लघु भजन प्रस्तुत करेंगे शर्मेंद्र जी। जयकारा श्री राम जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जगदम्बे तेरी दया चाहता हूँ, जगदम्बे तेरी दया चाहता हूँ, गुनाहगार हूँ मैं क्षमा चाहता
दिल में जाना चाहता हूँ जगदम्ब तेरी दया चाहता हूँ जगदम्ब तेरी दया चाहता हूँ सच्चे दरबारी की जय आरुण सुधंस भ्रमते गगन दक्षिण चाक सूत्र वामे हस्त दिभ्यांध्र कणकमय पुस्तक जानगम्य सभीना भादंत स्वकर्कर जपे शास्त्र विज्ञान शब्द ूपा कर कमल धरा भारत सुप्रसन्ना सच्चिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज 14 प्रविष्टि है। कृष्ण पक्ष आज सप्तमी तिथि है, शीतला सप्तमी ही बुधवार तदनुसार 27 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भवन भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भवन भवे भूरिभूत करणी धानी कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्प दलनी व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ
शत्रुना बुद्धि नाशोस्त मित्राणाम देस्त शरीर वर्चस आयुष्म आरोग्यम आविदात शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम भूपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्त दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर वाले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर वंदन ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी भरतन की दुख हरता
सामने गुफा द्वार पर आ गई। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, मल बोलो जय माता दी, जय माता दी, काल भजत जय माता दी, आप बुलंद जय माता दी, 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 जय माता दी। भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, सम्मिल करके बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः, शान्तिः शान्तिः। शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रत्ने गुरु जी को वंदना, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया सतह तो सतगढ़ी, जो चरणा दा जान। जय
सबकी मनोकामना पूरी हो। जगारा शरण वाली धन्यवाद।
ओम जय 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 ज